प्रकार हो, इस प्रकार हो के वो क्लोजिंग टर्मिनल में क्या हो, कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर तो देखिए यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, ओपन इंटर दूसरा सब था उनका जो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और इंटरवल और ओपन इंटरवल यह है जिसको आप क्वेश्चन दे रहे थे, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। तो पहले हम डिफरेंशिएबल समझते हैं, उसके बाद तब सोचेंगे कि खैर ओपन क्यों कह दिया, क्लोजिंग क्यों नहीं कहा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल का अर्थ हुआ कि कर्व के हर एक बिंदु पर एक और केवल एक टेंजेंट हो, कर्व के हर एक बिंदु पर क्या मिले, एक और केवल एक टेंजेंट मिले। तो इसके लिए कर्व लगातार थोड़ा सा झुकते जाना चाहिए, चाहे जो है अफवाह ऐसे होते जाना चाहिए, या तो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, और अगले बिंदु पर थोड़ा सा झुक जाए, चाहे थोड़ा सा उठ जाए, तो अपने उस पर अलग अलग टेंजेंट होगा। इसलिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए कर्व इस तरफ से है तो यहाँ एक अलग बिंदु है, यहाँ अलग बिंदु, सब अलग बिंदु हम ले रहे हैं, तो यहाँ एक अलग टेंजेंट होगा, यहाँ अलग टेंजेंट होगा, यहाँ अलग टेंजेंट होगा, यहाँ अलग टेंजेंट। लेकिन अगर कर्व इस तरफ से हो जाता तो इस पर तो अलग टेंजेंट खींचा जाएगा, तो इस पर जो भी बिंदु है किसी पर खींचेगा तो वही लाइन हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो नेचर उनका सेंस क्या है, एक पर उनका बनाव कैसा होना चाहिए, या तो कॉन्केव या होने, मतलब डिफरेंशिएबल होने का अर्थ है कि हर एक अगले पॉइंट पर कर्व या तो कॉन्केव हो जाए चाहे या तो जो है थोड़ा सा झुक जाए, या नहीं तो थोड़ा सा तब ना उसको अलग अलग टेंजेंट मिलेगा। तो डिफरेंशिएबल होने का अर्थ क्या हुआ, कर्व के हर एक बिंदु को अलग अलग टेंजेंट हो, यूनिक टेंजेंट हो, ठीक है। और अब हम लोग सोचते हैं कि ओपनिंग कर्व वाले ही उन्होंने क्यों कहा, तो हम लोग जानते हैं कि किसी एक बिंदु से ओवर लाइन पास करती है, तो अगर क्लोज कर्व इसमें चर्चा करते तो क्लोज का चर्चा करने पर यह बिंदु तो है, कर्व पर यह बिंदु है, और यह बिंदु यहाँ ओपन है, खुला है, यानी कि कर्व इस तरह से है तो यहाँ बिंदु खुला है, तो यहाँ तो अनंत टेंजेंट खींचा जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इस बिंदु को छोड़कर, यानी कि कर्व पर बिंदु है और उनके अंतिम बिंदु नहीं, और उनके और कर्व जो बिंदु है उसके बारे में, समझ में आ रहा है बात। तो इसलिए जो है इस इंटरवल